कैसे हो? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। आपको एक चीज पता रहेगी, देवों को देव महादेव। सो आज हम दर्शन करेंगे महादेव के, जो है हमारे कुल देवता। और उसके बाद में हम जाएंगे माता के दर्शन, आशापुरा माँ के, जो हमारी है कुल देवी। सो कुल देवता महादेव जो है वावेश्वर महादेव, हमारे यहाँ से वो है कुछ नियर अबाउट, मैं अगर बताऊँ तो 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जाने के लिए नियर अबाउट 2-3 घंटे लगते हैं वहाँ पर। और मैं जा रहा हूँ मेरी फैमिली के साथ में महादेव के दर्शन के लिए। आप भी दर्शन कीजिए, पर पहले आप ये क्लिप देख लीजिए। ओके, ओके। सो फाइनली हम लोग हमारे कुल देवता महादेव के पास पहुंच गए। सो ये गेट है यहाँ पे। सो यहाँ पे एक बात मैंने बतानी है, 400 स्टेप्स है। आपको ऐसे नहीं चढ़ना है, आपको जिग जैग होके चढ़ना, ऐसा मुझे मेरे भाई ने कहा। उसका रीज़न ये है, ये देखो यहाँ पे सब लोग जिग जैग चल रहे हैं, ऐसा लेफ्ट, फिर पूरे स्टेप्स राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। उसका रीज़न ये है कि अगर आप ऐसे सीधे चलोगे तो उससे ये होगा कि आप जल्दी थक जाओगे, पर अगर आप जिग जैग चलोगे यहाँ पे, मतलब ऐसा लेफ्ट पूरे स्टेप्स करने के बाद राइट, सो आप थकोगे नहीं इतना जल्दी। तो ये एक यहाँ के लोग कहते हैं, बहुत सालों पहले से लोग ऐसे ही चलते हैं यहाँ पे, तो हमें भी ऐसे ही चलना है। ऐसा कुछ है नहीं, आप सीधे भी चल सकते हो, आप जिगजैग भी चल सकते हो, बस जिगजैग चलोगे तो आपके लिए बेनिफिट ये है कि आप थकोगे नहीं। सो फाइनली यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ आफ्टर 400 स्टेप्स के बाद। ऊपर से व्यू कुछ ऐसे है, ये कुछ व्यूज़ है यहाँ पे। आप देखिए एक गुफा है, ये रही ओम लिखा हुआ है, ये गुफा है, पता नहीं क्या है। ऊपर से व्यू कुछ ऐसा है, कुछ सालों पहले, मतलब ये हमारे कुल देवता है तो यहाँ पर तो मैं आया करता ही हूँ, बहुत बार आया हूँ, पर पहले तो जल्दी जल्दी चढ़ जाता था, पर अभी चढ़ने नहीं होता है। पता नहीं सांस पूरी फूल गई है। ये हमारा मंदिर है, ओम नमः शिवाय। सो अभी जो आपने जो क्लिप देखी, ये वावेश्वर महादेव का मेन टेम्पल है। सो ये टेम्पल कोई छोटा मोटा टेम्पल नहीं, ये मठ है। मठ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मठ ये होता है कि महाराज वहाँ पर आके रह सकते हैं, महाराज नॉर्मली किसी और जगह पे जाके नहीं रहते हैं, महाराज सिर्फ मठ पे जाके ही रहते हैं। तो ये है बड़ा मठ, यहाँ पर सिर्फ महाराज ही रहते हैं। अभी आप ये क्लिप देखेंगे मंदिर के अंदर। तो अभी महादेव के टेंपल जा रहे हैं, ये महादेव का टेंपल और ये इसका मेन गेट। तो यहाँ पे कुछ व्यूज ऐसे हैं, ये मंदिर है वावेश्वर महादेव का। अभी जो आपने ये मंदिर देखा, ये बहुत ही पुराना मंदिर है। इस मंदिर पर आने के लिए आपको कम से कम 400 स्टेप्स चलने रहेंगे, 400 स्टेप्स के बाद ये मंदिर आएगा। पर इस मंदिर के बाजू में एक कुंड है, ये कुंड देख लीजिए, यहाँ पर मैं क्लिप दूंगा। इस कुंड में अगर कोई महिला है पानी भरती है तो यहाँ का जो पानी होता है वो चला जाता है, और इस पानी को फिर से लाने के लिए पूजा करनी पड़ती है। कहानी है, और ये रियल कहानी है, इसीलिए यहाँ पर आदमी ही पानी भरता है अपने यूज़ के लिए, वो भले नहाने के लिए हो या पीने के लिए हो या खाने के में यूज़ करने के लिए हो। वो पानी सिर्फ आदमी ही भरता है, महिलाएं नहीं भर सकती वहाँ पर पानी। और जो आप दूसरी क्लिप देख रहे हो, ये वाला, ये छोटा कुंड है। ये छोटे कुंड के बारे में अगर मैं बताऊँ तो इसमें जो पानी आ रहा है वो शिवलिंग से होते हुए पानी आ रहा है,
अब इसकी क्या कहानी है वो मैं बताता हूँ। इसकी कहानी ये है कि अगर किसी को कुत्ता बाइट करता है या कुत्ता काटता है, तो वो पर्सन उस मंदिर में और उस पानी को अगर पीता है, तो उसे जो काटा हुआ उसका जो भी पॉइजन होता है कुत्ते का, वो पर्सन तुरंत के तुरंत ठीक हो जाता है। और ये रियल कहानी है। अभी आप जो देख रहे हो यहाँ पर, ये है रियल टाइगर की स्किन। ओके सो यहाँ पर महादेव के दर्शन हो चुके हैं, अब सीधा मिलेंगे नीचे। सो अभी जस्ट थोड़ा लंच के लिए टाइम लिया था। ये जो होटल है मोटल मनवार होटल पे यहाँ पे जस्ट लंच किया। सो अभी कुछ ऐसा है कि अभी बजे है 2 और धूप बहुत है, और मुझे कवर करना है 80 से 90 किलोमीटर जो कि है यहाँ से आगे से लेफ्ट की तरफ आशापुरा माँ का टेम्पल है, वो टेम्पल पे जाना है, वहाँ पे दर्शन करना है। उसके बाद में मैं आपसे मिलता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं अभी आपको बताऊँगा मेरे आशापुरा माँ का टेम्पल। सो सबसे पहले आप देखिए ये बहुत बड़ा गेट देख लो, कितना बड़ा गेट है, ये बहुत बड़ा। अब इसके अंदर जाएंगे और फिर मंदिर दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे कि अभी आपने पिछले वाली क्लिप में देखा मंदिर, वो है आशापुरा माँ का पाठ स्थान। 2 पाठ स्थान हैं पूरे इंडिया में, पहला है कच्छ और दूसरा है नाडोल। सो कि आशापुरा माँ का मंदिर ये है, और ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये एक त्रिशूल है जो मैं कुछ सालों से 6-7 सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ, तब से ये बनी रहे। तो अभी पता नहीं और कितना टाइम जाएगा, अभी तक ये मंदिर पूरा बना हुआ नहीं है, बहुत टाइम हो चुका है इस मंदिर को। मैं बचपन से आ रहा हूँ तब तक यहाँ पर मंदिर बनी रहा। मेरे पास एक क्लिप है, अगर क्लिप हुई तो मैं क्लिप दिखाऊंगा। यहाँ पे जो भी मंदिर बन रहा है वो नक्काशी मंदिर बन रहा है, मतलब कोई रेडीमेड मार्बल्स वगैरह या फिर कोई मार्बल्स की मूर्ति ऐसा कुछ भी नहीं है। सो वैसे ही ये मंदिर माता का बन रहा है। सो बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अभी फ़िलहाल आराम करते हैं, काफ़ी ट्रैवल कर लिया है, उसके बाद में मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है, बाय। ओके सो ये कुछ पार्ट था मेरे इस ब्लॉग का, जहाँ पे मैंने 2 टेंपल कवर किए। सबसे पहले मैंने महादेव बावेश्वर महादेव का टेंपल कवर किया, और दूसरा मेरी कुल देवी आशापुरा माँ का टेंपल मैंने कवर किया। सो आई होप कि ये जो ब्लॉग आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर मैं ट्रैवल की बात बताऊँ तो नियर अबाउट जो मैंने ट्रैवल किया हुआ है वो 250 किलोमीटर्स का ट्रैवल किया हुआ है। सो मैंने अगर मैं सुबह निकला था कुछ 10 बजे, घर पे मैं पहुंचा कुछ शाम को करीबन 6:30-7 बजे के टाइम पे मैं घर पे पहुंचा था। घर पे आने के बाद बैटरी डाउन हो गई थी मेरी और मेरे फ़ोन की भी। सो बस इस ब्लॉग को एंड कर दे। आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी सब बढ़िया।